नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको साउथ वेस्ट फेसिंग यानी कि दक्षिण पश्चिम मुखी फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो डायरेक्ट सीधी सीधी डायरेक्शन पे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन डायगनल पर और साउथ वेस्ट फेसिंग पर वीडियो हो सकता है शायद ना मिले। लेकिन मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ, साउथ वेस्ट फेसिंग यानी कि जिनकी अपनी प्लॉट्स में डायरेक्शन वेस्ट कॉर्नर में आ रही है, ईस्ट कॉर्नर में है, साउथ कॉर्नर में और नॉर्थ कॉर्नर में, यानी कि डायरेक्शंस जो आती है वो डायगनल आती है। फ्रंट वाल जो आपकी अपनी बनती है, जो फ्रंट बनता है वो साउथ वेस्ट फेसिंग बनता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मुखी बनता है। इसके अंदर आपने अपनी फैक्ट्री लगानी है, या आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, या आप लगाने जा रहे हैं, या फिर आप रेनोवेशन करने जा रहे हैं, आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर सीटिंग और सेटिंग कैसे करनी है। सीटिंग और सेटिंग का मतलब, चाहे ओनर की सीटिंग सेटिंग है, चाहे मशीनों की सीटिंग और सेटिंग है, चाहे आपने मशीनों की सेटिंग करनी है, चाहे आपने अपना माल का रख रखाव करना है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी के साथ साथ आपको एक और बात बताऊँगा। वीडियो के लास्ट में, यदि आप वीडियो पूरे लास्ट तक देखते हैं, तो उस लास्ट में आपको आपके अपने घर के प्रति स्पेशल एक बात जरूर सुनने को मिलेगी, और वो हर व्यक्ति अपने घर में उस बात को अप्लाई कर सकता है, उससे उसके अपने घर में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर मेन गेट कहाँ होना चाहिए। आपकी अपनी साउथ वेस्ट फेसिंग फैक्ट्री है, तो मेन गेट आपका अपना वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में आना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ आपने लगाना है, साउथ वॉल पर, साउथ वेस्ट में लगाना है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंदर फ्रंट का लगभग 10 फुट का, 12 फुट का, 15 फुट का हिस्सा ये ओपन छोड़ा जाता है। ऐसे ही पीछे भी ओपन छोड़ने का प्रोसीजर है, एज पर नॉर्म्स, एज पर डिपार्टमेंट। आप अपनी फैक्ट्री का फ्रंट का हिस्सा ओपन छोड़ते हैं, साथ में पीछे का एरिया ओपन छोड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको अपने यहाँ पर सीटिंग सेटिंग कहाँ और कैसे करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेन गेट आपका वेस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट कॉर्नर में गेट लगाना है। इसी के साथ छोटा गेट आप गेट के अंदर गेट भी लगा सकते हैं, और सेपरेट भी लगाना चाहे तो सेपरेट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा, सेपरेट ना लगा करके गेट के अंदर गेट बनाएं, इससे आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। एक बात, इलेक्ट्रिक मीटर आपका अपना साउथ जोन में, आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर आपने जनरेटर रखना है, वो भी इसी जोन में आएगा। इसके साथ साथ आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर एयर कंप्रेसर रखना है, वो भी आपका अपना साउथ साउथ वेस्ट के बीच में आ जाए, या साउथ कॉर्नर में ही, क्या चीज, एयर कंप्रेसर। आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर किस किस चीज का ध्यान रखना है, एक तो फ्रंट में जो रोड बनी है, जो रास्ता है, ये टूटा हुआ कंप्लीट नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। जो नाली आपके यहाँ बनी है, उस नाली को आपने लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर, यानी कि वेस्ट से लेके साउथ तक कंप्लीट पूरे को ढक के रखना है। इसी के साथ साथ मेन गेट पर जो आपका अपना रैंप बनता है, रैंप आप स्मूथ बनाए, इस तरीके से बनाए कि आपकी अपनी गाड़ी यदि रैंप के ऊपर चढ़ती है तो वो गाड़ी आपकी स्लिप नहीं हो, हल्के हल्के से ब्रेकर देके बनाए। इसी के साथ आपने अपने गेट पर भी एक दहलीज जिसे बोलते हैं वो जरूर बनानी है। कहां से कहां, गेट के पिलर से लेके गेट के पिलर तक। इसी के साथ साथ एक बात और होती है, स्पीड ब्रेकर दहलीज तो आपने बना दी, कहीं ना कहीं फ्रंट के हिस्से की जब धुलाई करते हैं अंदर के पोर्शन की, पानी जाने का रास्ता
हर फैक्ट्री वाला बना लेता है, तो वो आपने इस ब्रेकर के बीच में से कोई रास्ता नहीं बनाना है। ये ब्रेकर आपका वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट तक, जहाँ तक आपका गेट का पिलर आ रहा है वहाँ तक कंप्लीट पूरा बनाना है। जब जब ये ब्रेकर टूट जाएगा, तो मेरा अपना ये मानना है, जब जब ये ब्रेकर टूटता है तो आपकी अपनी फैक्ट्री को कहीं ना कहीं लॉस लगने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। आपने इसका स्पेशली ध्यान रखना है। आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर यदि ये ब्रेकर नहीं लगा हुआ है, आपकी फैक्ट्री साउथ वेस्ट फेसिंग है, तो आप अपनी फैक्ट्री के अंदर ये ब्रेकर बनाते ही आपकी अपनी फैक्ट्री प्रॉफिट में आ जाएगी। इसके साथ मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक मीटर, एयर कंप्रेसर, जेनसेट, जो फ्रंट में नाली बनी है इसको भी आपने पूरा ढक के रखना है। इसी के साथ साथ आपने अपनी फैक्ट्री के फ्रंट के हिस्से में कहीं भी कोई पानी का काम नहीं करना है, कोई टूटी कोई नल नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, किसी भी हालत में नहीं लगाना है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। आपने अपनी फैक्ट्री के फ्रंट में भी पानी का छिड़काव नहीं करना है। इसके साथ एक बात और कहूँगा मैं आपको, जो भी आपके अंदर आपकी अपनी फैक्ट्री का पानी जब बाहर निकलता है, जो मेन होल बनता है, मेन होल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ढक्कन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ढक्कन बहुत अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको फैक्ट्री के अंदर की बात बता रहा हूँ। जब मेन गेट यहाँ है तो अंडरस्टूड वाली बात है, आपकी बिल्डिंग के अंदर आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर बेसमेंट बना रखी है या नहीं बना रखी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने यदि बेसमेंट बनाई हुई है तो बेसमेंट में नीचे जाने का रास्ता दीवार के हिसाब से स्टेयर्स उतार दी जाती है। इसी के साथ दूसरा रास्ता ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए बना दिया जाता है, यहाँ ये स्टेप्स बन के ऊपर आ जाते हैं, चौकी बन जाती है आपकी अपनी। यहाँ से हम अप की ओर चले गए, यहाँ से हम डाउन की ओर चले गए, बेसमेंट में चले गए। इसी के साथ साथ मैं आप अधिकतर पार्टियाँ कंपनियाँ क्या करती हैं कि फ्रंट में ही अपना एक ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बना देती हैं। आपने यदि ऑफिस बनाया है तो ये ऑफिस का दरवाजा हो जाएगा, इसके अंदर आपकी अपनी सिटिंग चेयर, ये एल पोजीशन में आपकी टेबल होनी चाहिए, आने वाला व्यक्ति यहाँ बैठ गया। इसी के साथ साथ जो चीज़ होनी चाहिए वो आपकी अपनी एक गोदरेज की अलमीरा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यहाँ आप अपना मंदिर बना सकते हैं, बीच के स्पेस में आप अपना एक सेटी या सोफ़ा डाल सकते हैं, यहाँ आप अपना एसी लगा सकते हैं। पीने का पानी आपने अपने ऑफिस में रखना है तो वो यहाँ आ जाएगा, फ्रिज रखना है तो फ्रिज आपका अपना यहीं कहीं आएगा, मंदिर के ही आजू बाजू। आप अपने यहाँ पर यदि ऑफिस नहीं बनाते हैं तो ऑफिस ना बनाए, आप कंप्लीट ग्राउंड एरिया, ग्राउंड फ्लोर वर्किंग में लेके आना चाहते हैं, मशीनें लगाना चाहते हैं या बेसमेंट में मशीनें लगाना चाहते हैं। पहले मैं आपको बेसमेंट की बात बताता हूँ। यदि आप बेसमेंट में मशीनें लगाते हैं और प्लास्टिक के दाने की मशीन लगाते हैं, आपकी मशीन कैसे लगी होनी चाहिए, आपकी अपनी मशीन बेसमेंट से यहाँ से नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद बेसमेंट आपकी मशीन के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक तो मिक्सर आता है, मिक्सर के बाद लंबी मशीन आती है, मशीन से जब दाना निकलता है एक पानी की होदी से होते हुए मटेरियल निकलता, दाना निकलता है, तो आगे जाके कटर लगता है, कटर से एक टब बनता है, टब के अंदर दाना निकलता है। तो वो इस तरीके से आप अपने यहाँ एक मशीन का सेटअप बनता है। तो जो मिक्सर आपने लगाना है वो मिक्सर आप जो फ्रंट का ग्राउंड लेवल है वो हमेशा ही नीचे होता है, क्योंकि फैक्ट्री जब बेसमेंट बनती है तो ऊपर का लेवल उठा के बना दिया जाता है और यहाँ पर ये सारे के सारे एग्जॉस्ट निकाल दिए जाते हैं जिससे कि बेसमेंट की हवा निकलने के लिए। मिक्सर आपका अपना यहाँ लग जाएगा, मशीन आपकी अपनी स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होके
यहाँ तक मशीन चली जाएगी, फाइनल दाना जो है आपका अपना यहाँ इस टब के अंदर आ जाएगा, यहाँ आपका अपना कटर आ जाएगा, यहाँ आपकी अपनी पानी की होदी आ जाएगी, ये आपकी अपनी कंप्लीट मशीन लग गई। इसी के साथ जब दाना यहाँ गिर रहा है तो एक कट्टा भी लगाना पड़ता है माल को भरकर रखने के लिए, कट्टे के अंदर माल भरा जाता है, तो उस कांटे को आप यहाँ इस जोन में आप कांटा लगा दीजिए, यहाँ माल तुलेगा, यहाँ से माल तुल के पूरी फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट होता रहेगा। लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ रखे, जब आपके यहाँ रॉ मटेरियल आता है कम माल नहीं आता है, पूरी गाड़ी की गाड़ी आती है, एक गाड़ी नहीं कहीं कहीं गाड़ी आ जाती है, सारे माल को आप बेसमेंट के वेस्ट कॉर्नर से लेके जो बेसमेंट का लोएस्ट नीचे का हिस्सा है उस हिस्से में आप अपना कंप्लीट रॉ मटेरियल को भर दीजिए, और फाइनल प्रोजेक्ट आपका अपना जब निकलता है तो वो सारा का सारा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट तक इस हिस्से में आपका अपना क्या होगा, फिनिश प्रोजेक्ट आ जाएगा। क्योंकि जब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बीच में फिनिश फाइनल प्रोजेक्ट रखा जाता है वो हवा का एरिया होता है, वहाँ रखा हुआ माल बहुत जल्दी बिकता है। आपको ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस की पोजीशन मैंने बता दी, ऑफिस की पोजीशन के बाद आपने ग्राउंड फ्लोर पे अपना माल लगाना है, ऑफिस के बाद इस हिस्से में माल लग जाएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ कॉर्नर तक ही आपने माल नहीं लगाना है। कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, जितने भी मंजिल आप बनाते हैं उन पर कहाँ माल नहीं लगाना है, ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ कॉर्नर तक, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए इस हिस्से में आपने माल नहीं लगाना, बाकी हर फ्लोर पे आप माल लगाएं। कहाँ से, फ्रंट के एरिया से स्टार्ट करें, पीछे तक माल लगाते हुए चले जाएं। इसी के साथ साथ आपको आपकी अपनी प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्ट्री लगी है या पाइप बनाने की फैक्ट्री लगी है, कौन सी, एग्रीकल्चर में जो पाइप यूज होती है, या फिर आपकी अपनी तिरपाल बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, तिरपाल बनाने की फैक्ट्री के अंदर भी दाना बनाने की मशीन मैंने आपके बताई दी, और तिरपाल बनाने वाले भी, पाइप बनाने वाले भी, मशीनें ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं, नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक जैसी होती है, लेकिन फैक्ट्री वाला मालिक जानता है कि मशीनें सेपरेट सेपरेट होती हैं, क्योंकि सिर्फ डाइयों का और रॉ मटेरियल का फ़र्क होता है, मशीनों में भी फ़र्क होता है, नॉर्मल व्यक्ति यही जानता है कि भाई ये सभी प्लास्टिक की फैक्ट्री है। उन फैक्ट्रियों के अंदर भी आप इसी तरीके से सेटअप करें, आप एक मशीन लगाएं, दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं, सेटअप यही बनेगा। इसके साथ ये मैंने आपको बेसमेंट की बात बताई, फर्स्ट फ्लोर पे आप तैयार माल भी रख सकते हैं, कोई मशीन लगाना चाहे मशीन भी लगा सकते हैं, मशीन के साथ साथ सेकंड फ्लोर पे भी आप मशीनें लगा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ही मशीनें लगा सकते हैं। आपको एक चीज़ और, दाने का प्लांट लगाते हैं तो आपको कूलिंग टावर की आवश्यकता नहीं है, यदि आप पाइप बनाने का, तिरपाल बनाने का या कुछ और आइटम बनाने का प्लांट लगाते हैं और साउथ वेस्ट फेसिंग है तो आपको अपना, मेरा ये मानना है, कूलिंग टावर लगाना पड़ेगा। यदि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कूलिंग टावर लगाने की तो आपको कूलिंग टावर कहाँ लगाना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, टेरेस पर पीछे की ओर, ओवरहेड वाटर टैंक जीने की ममटी पे आ जाएंगे, कूलिंग टावर आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपको आवश्यकता पड़ती है लेबर क्वार्टर बनाने की, लेबर क्वार्टर आपने कहाँ बनाने, आपके पास ऑप्शन मिल जाए तो फ्रंट में बनाने की तो फ्रंट में बना दीजिए, ऑप्शन फ्रंट की नहीं बनती है तो जीने की ममटी के ही साथ साथ नॉर्थ कॉर्नर तक आप लेबर क्वार्टर बना सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि लेबर को भी नहाने के लिए भी और टॉयलेट की भी आवश्यकता पड़ती है, वो टॉयलेट और स्नान घर आपको नॉर्थ जोन में ही बनाना है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर जो चीज़ आएगी वो आपका अपना बाथरूम आएगा, नॉर्थ कॉर्नर में आपकी टॉयलेट आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ बनाते हुए आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, दोनों का ही फर्श लेवल ऊंचा नहीं होना चाहिए,
जो टेरिस का फर्श लेवल है उससे नीचे करके ही आपको ये चीज़ बनानी है। यदि आपको लगता है नहीं हम ऊंचा करके ही बन पाएगा, नीचे करके नहीं बन पाएगा, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, आप टेरिस के ऊपर जाने के बाद जो भी फ्रंट का हिस्सा बनता है जीने की मुमटी के बाद या बालकनी जो बनती है उस हिस्से में ही आप अपनी लेटरिंग बाथरूम बनाएंगे। आपको लेबर क्वार्टर और फालतू बनाने की आवश्यकता है भाई, अपने को दो लेबर क्वार्टर से तीन से काम नहीं चलता है, और ज़्यादा बनाने हैं क्योंकि प्लॉट के साइज छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। यदि आपका बड़े बड़े साइज का प्लॉट है, बड़े साइज की फैक्ट्री है, तो आपके लेबर क्वार्टर यहाँ बन जाते हैं, और छोटे हैं तो आपके लेबर क्वार्टर तो यहाँ बन जाते हैं लेकिन आपको रूम और चाहिए, या बड़ी फैक्ट्री है तो बड़ी फैक्ट्री के अंदर लेबर क्वार्टर ज़्यादा की आवश्यकता होती है, तो आप ऑफिस ब्लॉक के ऊपर ही लेबर क्वार्टर्स निसंकोच होकर बना सकते हैं। साथ में टॉयलेट भी आप फ्रंट जोन में ही, किस हिस्से में, ऑफिस के ऊपर नहीं, जो बाहर बालकनी छज्जा निकलता है उस हिस्से के स्टेयर्स के ही आगे वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में आप टॉयलेट्स बना सकते हैं। इसी के साथ जो चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ, पानी की बोरिंग, क्योंकि बिना पानी के प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री नहीं चल सकती, प्लास्टिक की आइटम बनाने वाली फैक्ट्री नहीं चल सकती, तो पानी की बोरिंग आपको कहाँ करानी है, ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ कॉर्नर तक, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में ही आपने पानी की बोरिंग समर्सिबल कराना है। लगता है आपको आपके यहाँ समर्सिबल बैन हो चुका है, समर्सिबल नहीं करा सकते, तो पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, नॉर्थ ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट में ही पानी का टैंक बनाना है। ओवरहेड वाटर टैंक मैंने आपको जीने की ममटी के ऊपर बनाने के लिए बोल दिया है। इसी के साथ जो चीज़ मैंने फ्रंट में वीडियो के फ्रंट में कही थी वो चीज़ बता रहा हूँ, आपकी अपनी साउथ वेस्ट फेसिंग है फैक्ट्री, तो मेरा अपना ये मानना है कहीं ना कहीं आपके अपने घर में भी वेस्ट का हिस्सा डाउन जरूर मिलेगा, जो कि आपको आप हर एक के लिए अच्छा करने के लिए, अच्छी हेल्प करने के लिए आप और आपका परिवार तत्पर रहता है लेकिन आपको बुराई मिलती है। आप अपने घर का वेस्ट का हिस्सा फर्श लेवल में किसी कारण से नीचे है कहीं भी, उसको ऊंचा कर लीजिए। ऊंचा करते ही आपको जो अपयश मिल रहा है वो यश प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।